السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في النار वकुल्ला आप सब भाइयों और बहनों का इस्ताल करता हूं हमारे प्रोग्राम मजबूत बुनियादें एक इस्लामी कोर्स में हम इनशा आज के इस एपिसोड में देखने वाले हैं कि इल्म के रास्ते पर चलने का फैसला करने के बाद बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जिनकी वजह से एक इंसान इम तक नहीं पहुंच पाता है क्या रुकावटें हैं उसे जानना जरूरी है ताकि उन रुकावटों से हम रुक ना जाए पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था इल्म की अहमियत और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको उभारूंगा इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि एक इंसान ने फैसला कर लिया हां मुझे इल्म हासिल करना है यह वो लोगों में से नहीं है जो कहते हैं कि हम जाहिल अच्छे लचे वहां से आगे बढ़ के आया है अब यह कह रहा है इल्म हासिल करना है मुझे लेकिन उसके बाद भी कई सारी खाइयां हैं आगे जिनसे बच के आगे निकलना है उस बड़ी खाई से बच गया वो जहां लोग कहते हैं हम जाहिल अच्छे हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया फला तकुनन जाहिलों में से मत बनना तो एक इंसान उस चीज से बच गया ये वो लोगों में से नहीं है ये वो लोगों में से है जो कहता है हाँ इल्म हासिल करना फर्ज है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दस साल पहले मालूम पड़ा कि इल्म हासिल करना फर्ज है पच्चीस साल पहले मालूम पड़ा इल्म हासिल करना फर्ज है लेकिन कुछ किए नहीं सिर्फ मालूम है फर्ज है।, हाँ, फर्ज है फर्ज है कुछ कर ही नहीं रहा ऐसे थोड़ी चलता है कुछ आगे करना होगा तो हम आज ऐसी दस, देखने वाले हैं, ऐसी दस रुकावटें देखने वाले हैं और अगर आप गौर करेंगे तो यह दस चीजों में आपको दस क्वालिटी मिलेगी दस खूबियां मिलेगी जो हम अपने अंदर अगर पैदा करें तो हम सचमुच इल हासिल कर पाएंगे इन ने इस ताल से बताया है कि हर किस्म के लोगों की कुछ खूबियां होती है कुछ तरह जब कोई इल्म के रास्ते पर चलता है और उसे अगर इल्म चाहिए सचमुच सिर्फ ऐसे नहीं हाँ हासिल करना जरूरी है लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके अंदर जज्बा है सचमुच ये सिंसियरली चाहते हैं हम इल्म सीखें लेकिन उनके अंदर ये खूबियां होंगी तो वो खाइयों से बच पाएंगे वो रुकावटों से बच पाएंगे जो हम इंशाला आज के इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं दस रुकावटें और अगर आप मेरा साथ दें तो इनशाला जब तक हम खत्म करेंगे आपको दस के दस याद हो जाएगी लेकिन आपको साथ देना होगा कि आप रिपीट करें जब मैं आपको कहूं दोहराओ तो दोहराओ टीवी के सामने दोहराओ कोई बात नहीं लेकिन साथ में दोहराओ अगर आप मेरे साथ रिपीट करोगे इंशाला तो यह प्रोग्राम खत्म होने तक इंशाल्लाह आपको दस के दस पॉइंट याद हो जाएंगे तो आइए शुरू करें सबसे पहला पॉइंट और वो है नियत। इल्म हासिल करना है नियत क्या होनी चाहिए हमारी नियत होनी चाहिए कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं अल्लाह की रजा के लिए क्या नियत होनी चाहिए अल्लाह को खुश करने के लिए मैं अल्लाह का अच्छा बंदा बनना चाहता हूं मैं अल्लाह की बंदगी के लिए इल्म हासिल करना चाहता हूं मैं अपनी जहालत को दूर करने के लिए इल्म हासिल करना चाहता हूँ अल्लाह की इबादत करने के लिए इल्म हासिल करना चाहता हूं मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करूं इसलिए इल्म हासिल करना चाहता हूँ ये अच्छी नीयत है अगर किसी की नीयत है कि मैं अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं दूसरों तक अच्छी नीयत है अब और आगे बढ़ा है वो इंसान मैं किसी और को भी जहन्नम की आंख से बचाना चाहता हूँ इंशाला जरिया बनना चाहता हूं मैं किसी और की भी जहालत दूर करना चाहता हूँ और अच्छी बात है माशाल्लाह कोई कहे कि मैं अल्लाह के दीन को डिफेंड करना चाहता हूं आज लोग हमारे इस्लाम जो दीन है जो सच्चा दीन है उसके ताल्लुक से बहुत से लोग बदगुमानियों में हैं बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं अब एक इंसान सोचे कि मैं लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता हूं मैं अल्लाह के दीन की दिफा करना चाहता हूँ डिफेंड करना चाहता हूं लेकिन डिफेंड करने के लिए भी तो इल्म चाहिए बगैर इल्म के कैसे डिफेंड करेंगे ये अच्छी नीयत है माशाल्लाह तो लेकिन आइए गलत नीयत भी देख लें अगर किसी की नीयत हो कि मैं इसलिए इल्म हासिल करना चाहता हूं ताकि थोड़ा लोगों को दिखाऊं थोड़ा शो ऑफ करूं तो कैसा है तो हम देखते हैं कि अगर एक इंसान की नीयत है नब्बे टका अल्लाह को खुश करने दस टका थोड़ा सा किसी को साथ साथ में दिखा दूं तो चलेगा नहीं चलेगा क्या उससे नब्बे टका अर्जन मिलेगा नहीं मिलेगा टेन परसेंट माइनस होगा ना टेन परसेंट दिखावे के लिए नब्बे टका अल्लाह के लिए तो क्या चलेगा नहीं चलेगा तो हम देखते हैं इस बारे में सही बात यह है कि अगर किसी अमल के अंदर दिखावा आ जाता है तो उस वजह से वो अमल बर्बाद हो जाता है अल्लाह नहीं कबूल करता अमाल सिवाय वो जो सिर्फ अल्लाह के लिए खालस हो सिर्फ अल्लाह के लिए किए गए हों ऐसे अमाल ही कबूल करता है और जो अमल अल्लाह के लिए नहीं किया गया सिर्फ अल्लाह के लिए अल्लाह वो अमल कबूल ही नहीं करता तो मेरे भाई और मेरी बहनें हम नहीं चाहते ना कि हमारा ये अमल बर्बाद हो इसी वजह से इसे शिरक के असगर कहा गया है अर्रिया को दिखावे को शिरक के असगर छोटा शिरक बड़े शिरक से सारे अमल बर्बाद होते हैं छोटे शर्क से वो अमल बर्बाद हो जाता है तो हमें इस चीज से बचना चाहिए हमें अपनी इबादतों को संभालना चाहिए इल्म हासिल करना इबादत है वो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए आइए मैं आपके सामने एक ऐसी हदीस बताऊं जो अल्लाह हु अकबर इसमें कितनी खतरनाक बात दी है जिस चीज से हम सबको डरना चाहिए और हमें इस चीज से बचना चाहिए सुनन सुलाना में हदीस है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इल्मा। जो इल्म हासिल करेगा बाहिया ताकि उसका नाम हो जाए मुझे या किसी बेवकूफ को हराने के लिए कि मैं उसे हराने के लिए इल्म हासिल कर रहा हूँ वजूस या लोगों के चेहरे को अपनी तरफ पलटाने के लिए कि मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा है मैं चाहता हूँ लोग मेरी तरफ देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खु जहन्नम अल्लाह उस शख्स को जहन्नम में दाखिल कर देगा अल्लाह अल्लाह की पना मेरे भाई में बहने क्या किया वो शख्स ने इल्म हासिल किया लेकिन उसकी नीयत क्या थी दिखावे की नीयत थी तो दिखावे की नीयत नहीं होनी चाहिए अब इसके बाद क्या होता है आपको पता है कुछ लोगों के साथ शैतान कहता है जरूर तुम ये प्रोग्राम देख रहे हो ये जो दर्द देख रहे हो ये जो नोट्स पढ़ रहे हो ये जो नोट्स बना रहे हो जरूर दिखावे के लिए कर रहे हो इससे तो अच्छा मत करो इससे तो अच्छा मत करो अब वो चाहता ही है ये ना कि आदमी को दूर करे तो ये बात याद रखिए अगर दिखावे के डर से आपने कोई चीज छोड़ दी है ना ये भी एक टाइप का दिखावा हो गया तो हमें ये बात को याद रखना है कि हम करके रहेंगे सिर्फ अल्लाह के लिए और नीयत हमारी एक सेकेंड में सुधर सकती है अगर किसी की नीयत बिगड़ गई है बिगड़ी हुई नीयत है एक सेकेंड में सुधर सकती है आपको मैं मिसाल बता रहा हूं सही बुखारी में हदीस है उमर ने नबी अब्बी से फरमाया अल्लाह के रसूल मैं आपसे सारी चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपनी जान के तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर अब तक ईमान नहीं लाया तुमने तो उमर ने तभी के तभी, तभी अपनी इसलाह की और कहा कि अल्लाह के रसूल अब मैं आपसे सारी चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ खुद की जान से भी ज्यादा तो नबी सल ने फरमाया फरमायालान या उमर उमर अभी ईमान लाए तो हम देखते हैं कि यह बात से क्या पता चला फौरन आप अपनी इसलाह कर सकते हैं अगर आपको पता चल गया नहीं मेरी नीयत खराब थी सुधार दो एक मिनट में सुधर जाएगी और इस वजह से कभी भी नहीं काम मत छोड़ना शैतान आपसे कहे जरूर दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहे हो कोई नमाज पढ़ना छोड़ दे जरूर दिखावे के लिए सदका कर रहे हो अब कोई सदका करना छोड़ दे तो ये तो शैतान का ही प्लान कामयाब हो रहा है ना तो ये नहीं होने देना चाहिए पॉइंट नंबर दो कुछ लोग होते हैं जिनकी नीयत अच्छी होती है लेकिन उनका दूसरा प्रॉब्लम होता है वो कुछ करते ही नहीं है सिर्फ अच्छी नीयत से काम थोड़ी बनेगा कुछ करना भी तो होगा अब हम क्या देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कई सालों साल निकल गए अच्छी नीयत है लेकिन कुछ करते ही नहीं है तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई और मेरी बहनें मैं आप सबको भारता अच्छी नीयत के साथ बहुत जरूरी है पॉइंट नंबर दो हमारा वो है मुजाहिदा कोशिश तो बहुत से लोग इस खाई में पड़े हुए हैं सुस्ती वाले खाई में कुछ करते नहीं है अच्छी नीयत है लेकिन कुछ करते ही नहीं है तो आप सबको मैं बताता हूं कि कोशिश करना होगा याहिया बिन अभी कसी रही एक ताबई है और कितनी प्यारी बात उन्होंने कही उन्होंने फरमाया लायुस्तुल बेराहत जिस्म इल्म नहीं हासिल होता जिस्म की राहत के साथ अगर आपका जिस्म बहुत आराम से है ऐसे इल्म नहीं मिलने वाला एक इंसान बहुत आराम से कुछ पढ़ रहा है अगला सीन क्या होगा सो गया एक इंसान सुस्ती करना चाहता है तो कहीं इस्लामिक प्रोग्राम है कहीं दर्श है टीवी ऑन करके देखने के लिए भी आपने कुछ ना कुछ आराम छोड़ा है आपने कोई ना कोई तकलीफ तो जरूर उठाई है यहां बैठकर यह प्रोग्राम देखने के लिए तो अगर इल्म हासिल करना है तो कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है कुर्बानी दिए बगैर इल्म नहीं मिलता आराम भी चाहिए इल्म भी चाहिए ऐसे नहीं होता है उन्होंने कहा और आप देखिए स्कॉलर्स की कहानियां देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ये कहानी इमाम दारमी ने अपने मुकदमे इंट्रोडक्शन में सही सनत से जमा किया है ये कहानी है एक बहुत बड़े स्कॉलर की और वो स्कॉलर है साहबा में से बहुत बड़े आलिम अब्दुल्ला इबन अब्बास रुदीन मेरे भाई और मी क्या आपको पता है कि अब्दुल्ला इबन अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चजाजात भाई थे और ये वो साहबी थे जो नबी सलीसम जब इस दुनिया से चल बसे उस वक्त पर अब्दुल्ला इबन अब्बास की अठारह साल भी उम्र नहीं थी क्या आपको पता है कि उनकी उम्र नबी सलीम जब इस दुनिया से गए तेरह साल की थी लेकिन हदीस के मैदान में टॉप फाइव जो हदीस के रावी हैं नरेटर्स हैं उनमें से एक है तफसीर के मैदान में नंबर वन साहबी जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लकब दिया था तर्जुमानल कुरान और वो उस लकब के पूरी तरह से लायक थे जैसे बाद के जमाने में लोगों ने देखा मेरे भाई मेरी बहने हम उस स्कॉलर की कहानी सुनते हैं वो बताते हैं इस वाक्य में आता है सही सनत से मिलता है वो तो बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में मैंने अपने एक अंसारी साथी से कहा ऐ फुला आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जिंदा हैं आओ हम उनमें से एक एक के पास जाकर उनके पास क्या इल्म है उनके पास क्या हदीसें हैं सीख लेते हैं तो वो साहबी ने कहा अब्दुल्ला तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े बड़े सहाबा के होते हुए हमारी जरूरत पड़ने वाली है अब ये थे नौजवान और ये भी सहाबी है अब वो बकर्रद्लाऊ साठ साल की उम्र हो गई वो भी साहबी है अब दोनों की उम्र में फर्क है जाहिर सी बात है जो साठ साल के हो गए वो हमेशा तो नहीं रहने वाले तो अब्दुल्ला इबन अब्बास को ये बात समझ में आ गई थी उन्होंने कहा चलो अभी सब लोग हैं सबके पास से जाके सीख लेते हैं वो कहते हैं कि जब मैं उस वक्त पर जाता जब वो दोपहर में कैलुल्ला कर रहे होते और वो कहते हैं कि मैं अपनी चादर बिछा करके उनके घर के बाहर बैठ जाता रेगिस्तान की धूल उड़ उड़ के मेरे चेहरे पे आती जब वो असर की नमाज के लिए बाहर निकलते तो कहते अब्दुल्ला आप क्यों आए हो हमें बुला लेते क्यों चचाजाद भाई थे ना फायदा उठा सकते थे उस रिश्ते का फायदा उठा सकते थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं आऊँ और वो कहते हैं कि इस तरह से एक एक सहाबी के पास जाकर मैंने वो सीखा यहां तक का कि एक ऐसा वक्त आया कि बड़े बड़े सहाबा जो थे उनका इंतकाल होने लगा और फिर वो कहते हैं कि एक ऐसा वक्त आया कि मैं बच गया और वो अंसारी साहबी भी बच गए और उस वक्त पर उन्होंने कहा ये मुझसे समझदार निकले मेरे भाइयों में बहने अब्दुल्ला इबन अब्बास की जिंदगी की स्टोरी से हम सब क्या सीखते हैं हम पहली चीज तो ये सीखते हैं कोशिश मुजाहिदा स्ट्रगल कोशिश किया उन्होंने तो इल मिला हाथों पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ गए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ भी की थी अलमा फकीहुद्दीन वालिम तवीर एल्ला

आपके पास जो आपकी बुक है किताब है दीजिए मैं जरॉक्स करके देता हूँ नहीं नहीं जरॉक्स नहीं कर सकते हैं जरॉक्स मशीन नहीं थी तभी तो आप बैठ कर कॉपी कर रहे हैं कॉपी बना रहे हैं मेरे भाई और मेरी बहनें आज कितनी सहूलतें आ गई हैं आज हम जैसे कमजोर मुसलमानों के लिए कमजोर इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने कितनी सहूलत रखी है आपको बैठ कर सुनना है आप बैठ कर यहाँ से सुन रहे हैं ना ये दर्द सुन रहे हैं आपको नोट्स डाउनलोड करना है पीडीएफ डाउनलोड करिए आपकी है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखिए कि कितनी सारी आसानियाँ हो गई इसके बाद भी अगर हम इम नहीं हासिल करें तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हम जाहिल क्यों थे अल्लाह ने इतनी सहूलत दी आज के इंसान कमजोर हैं तो कमजोर लोगों के लिए अल्लाह ने और सहूलतें है दी हैं क्या आप बैठ करके दूर से लेक्चर सुन सकते हैं किताबें डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंटिंग आ गई पी आ गई कितनी सारी सहूलतें आ गई अलहमद लाइव सवाल जवाब हो सकता है रेडीमेड सवाल जवाब के फतवों की वेबसाइट से अल्हद पॉइंट नंबर तीन पर आते हैं बहुत से लोग हैं जो पहली खाई में नहीं गए यानी जिनकी नीयत हो सकता है अच्छी है हो सकता है दूसरी खाई से भी वो बच गए कोशिश कर रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वो जाकर तीसरी खाई में गिर जाते हैं कौन सी खाई है ये मेरे भाइयों में बहने इल्म का जज्बा है हो सकता है नीयत भी अच्छी है कोशिश भी कर रहा है लेकिन जो तीसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि इल्म हासिल करने में एहतियात होना चाहिए एहतियात बहुत जरूरी है अगर ये एहतियात नहीं है तो याद रखिए कि सिर्फ जज्बा काफी नहीं जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग पानी पीते हैं तो पानी पीने में कोई एहतियात होता है या नहीं होता है पानी तो फिल्टर्ड पानी भी आता है साफ पानी भी आता है गटर में भी पानी है नाले में भी पानी होता है हम वो पानी नहीं पीते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि सेहत खराब हो जाएगी कि गटर का पानी पिएंगे सेहत खराब हो जाएगी सोना है तो एक चीज़ होती है चौबीस कैरेट ट्वेंटी फोर कैरेट एक चीज़ होती है जो सिक्सटीन कैरेट होती है और एक चीज़ होती है जो चमकती है लेकिन सोना नहीं होती तो हम हर चीज़ को तो बराबर नहीं रखते ना हम परखते हैं ना चेक करते हैं क्यों नुकसान हो जाएगा मेरे भाई और मेरी बहनें ये जो दीन का इल्म है इसके अंदर हमें एहतियात बरतना चाहिए क्यों बरतना चाहिए उसकी वजह है देखिए ये दीन की हिफाजत करने वाला अल्लाह है कुरान अल्लाह की किताब है कोई बदल नहीं सकता अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं जो उन्होंने बयान की इनकी हिफाजत भी अल्लाह ने की लेकिन ऐसे लोग आए जिन्होंने हदीसें गढ़ी जिन्होंने बातें गढ़ी गढ़ करके बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नस्बत की ऐसे दुश्मनान इस्लाम थे जो बाहर से जब नहीं हरा सके तो अंदर आकर उन्होंने कोशिश की ऐसे लोग थे जिन्होंने गुमराह सोच को आवा में आम करने के लिए ऐसी हदीसें गढ़ी लेकिन तारीफ़ अल्लाह की कि हमारा जो दीन है इसमें कुरान तो महफूज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी महफूज है लेकिन वो हदीस को जो बयान करते हैं ना रावी कौन बयान कर रहा है उन्होंने किससे सुना उन्होंने किससे सुना वो रावियों की जिंदगियां भी महफूज है और वो भी सनत के साथ मतलब आप गौर करें कि ये जो रावी है जो बयान कर रहे हैं इस हदीस को छह लाख चालीस हजार से ज्यादा रावियों की जिंदगी हैं वो भी सनत के साथ किताबों रिजाल में रिजाल की किताबों में जिसकी वजह से आज तक मुहादिन चेक कर सकते हैं प्रूफ के साथ कि ये हदीस की सनत सही है ये जयीफ है और ये मौजू है आज तक दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है यानी ऐसे नहीं होता है कि हाँ ये हदीस अच्छी लग रही है ये सही है और ये नहीं अच्छी लग रही है जयीफ है ऐसे नहीं होता प्रूफ के साथ होता है ये। बल्कि इंशाला हमें क्लास इस मौजूद पर लेने वाले हैं आगे जाकर कि हदी सही कैसे हो जाती है जयीफ कैसे हो जाती है उसको भी हम प्रूफ के साथ देखेंगे लेकिन मेरे भाई मई बहने आप गौर करें यहाँ पर मेन बात क्या है कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो फिर सही गलत सब मिक्स हो जाएगा तो हमारा इलम पूरा मिक्सचर इल हो जाएगा और फिर क्या होगा कि हमारी समझ भी तो गलत हो जाएगी अगर हमारे पास मिक्स चीज जाए जैसे पानी अगर कोई मिक्स पानी पी ले साफ और गंदा पानी सब मिक्स हो गया तो फिर एक इंसान की सेहत खराब हो जाएगी उसी तरह अगर इल्म गड़बड़ हो गया तो एक इंसान का ईमान गलत हो जाएगा आप देखोगे जो सारे फिरके बने वो किस बुनियाद पर बने वो इल्म की बुनियाद पर बने आप शराबियों का फिरका आपको नहीं मिलेगा ये शराबियों का फिरका है ये जुआरियों का फिरका है ये जनाकारों का फिरका है आपको फिरके मिलेंगे तो इल्म की बुनियाद पर मिलेंगे लेकिन ये फिरकों का मसला हल हो सकता है अगर हम इल्म हासिल करने में एहतियात करें प्रूफ चेक करें भाई इसमें आपकी मेरी इनकी उनकी नहीं बात यह है जो चीज प्रूफ के साथ है या नहीं है क्योंकि महफूज दीन है इसकी हिफाजत के मुतालिक आज तक हम देखते हैं कि मुस्तफीन है ना ओरिएंटलिस्ट जो लोग दुश्मन होते हैं इस्लाम का मुताला करते हैं सिर्फ कुछ बातों को ढूंढने के लिए लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग भी ताज्जुब करते हैं उनकी किताबों में मिलता है कि वो कहते हैं कि मुसलमानों ने इस दिन की क्या हिफाजत की लेकिन फैक्ट यह है कि हमसे खिदमत अल्लाह ती लेकिन हिफाजत करने वाला अल्लाह है अल्लाह है तो ये हो गया पॉइंट नंबर तीन एहतियात है उनका है है उन्होंने क्या पते की बात बात सही मुस्लिम के मुकदमे में ये बात मिलती है। वो कहते हैं ये इल्म दीन है तो देख लो किसके पास से अपने दीन को लेते हो अल्लाह ताला ने कुरान में, में 49 आयत नंबर ईमान वालों इन जा कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो चेक करो तो हम देखते हैं कि हमें तहकीक करना चाहिए और हमें इस बारे में देखना चाहिए तो मेरे भाई मी बहने कुरान में है कुरान के तल्लुक से बात हो रही है कुरान की जो जुबान है अरबिक जुबान एक आम जुबान है दुनिया में करोड़ों लोग हैं इस जुबान को जानते हैं दुनिया की बहुत सारी किताबें हैं डिक्शनरी है जिसके अंदर अल्फाज की माने मिलती है वो आयतें कुरान की बाज आयतें दूसरी आयतों की तफसीर करती हैं हदीसों में सहाबा के अकवाल आसार में कुरान की आयतों की तफसर मिलती है इसमें ऐसे नहीं है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है इसमें हर चीज़ प्रूफ से होता है इसमें अगर कोई ग्रामर के तौर पर कहता है ग्रामर की किताबें मौजूद है हर चीज चेक हो सकती है हर चीज़ प्रूफ के साथ चेक हो सकती है लेकिन कोशिश करना पड़ेगा तो मैं आप सबको भारता हूँ कि एक एहतियात रखिए कि अगर कोई बयान कर रहे हैं अगर आप कोई किताब से ले रहे हैं तो ये साबित शुदा किताब है कि नहीं है उसके अंदर कुरान और सही हदीस से दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है

अरबी में लफ्ज लफीफ का मतलब होता है कमजोर कमजोर मतलब डाउट है शक है कि अल्लाह के रसूल ने यह बात कहा या नहीं कहा अब क्या करें अल्लाह ताला कुरान में फरमाया वला मा लैसा लका उस चीज के पीछे मत चलो जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं जो कंफर्म नहीं है मत चलो उसके पीछे कुरान की आयत है बल्कि कुरान में आता है यहूद ना के बारे में जूज एंड क्वेश्चन के बारे में मैं लहुम बिहिन जन उनके पास इल्म नहीं है वो गुमानों के पीछे चलते हैं हम गुमानों के पीछे नहीं चलते हैं इसी वजह से जब चांद देखते हैं और चांद अगर है नहीं है दिखा नहीं ना अगर है भी तो भी महीना शुरू नहीं हुआ क्योंकि दिखा या नहीं दिखा कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ कन्फर्म नहीं हुआ तो गुमान के पीछे हमें रोका गया है कि नहीं वो योम शक वो शक वाले दिन पर रोजा मत रखना तो हम देखते हैं कि ये दिन प्रूफ वाला दिन है उसी तरह सुनन तिरमिदी में सही समय से हदीस है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दा मा यूरी बुक इलामा ला यूरी बुक उस चीज को छोड़ दो जिसमें शक है उस चीज के लिए जिसमें शक नहीं है मतलब शक वाली चीज को क्या करो छोड़ दो तो हम देखते हैं कुरान और सही हदीस सहाबा के फहम जो सहाबा के बाद जो बेस्ट जनरेशन ऑफ इस्लाम थे उन्होंने कैसे समझा हम वैसे समझें और कुरान और हदीस और प्रूफ के साथ देखें तो हम ये देखते हैं मेरे भाइयों बहनों सिर्फ इल्म का जज्बा काफी नहीं है सिर्फ कोशिश करना काफी नहीं है सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं है साथ में एहतियात भी होना चाहिए हासिल करने में एहतियात पॉइंट नंबर तीन याद रहेगा इंशाल्लाह पहला पॉइंट क्या था नीयत अच्छी होनी चाहिए दूसरा पॉइंट क्या है मुजाहिदा, कोशिश नंबर तीन हासिल करने में एहतियात नंबर चार नंबर चार पॉइंट यह है कि इल्म को पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात करना बहुत से लोग होते हैं इल सीखते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है अब होता क्या है उनका खुद का इलम फिर बाकी नहीं रहता कई बार वो महफूज नहीं रह पाता उसका रिविजन नहीं होता है अल्लाह के रसूल महम्मदीम की मशहूर हदीस है बल्ले आया वह दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो एक आयत है तुम्हारे पास पहुंचा दो उसे पहुंचा देने हमें सिखाया गया है उसी तरह सुनंदी की सही हदीस जिसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया عمران अल्लाह उस शख्स को खुश और खुर्रम रखे समी मन्ना हदीसन जो मेरी एक हदीस सुने फाफिज रहू उसे याद करे हता गए रहो यहाँ तक कि किसी और को बता दे तो हमें क्या सिखाया गया कि इल्म किसी और को पहुंचाओ एक आयत पता है एक आयत पहुंचाओ थोड़ी सी बात भी पता है साबित शुदा होनी चाहिए पहुंचाओ उसी तरह नबी सलम ने हजरतलिदा के मौके पर कहा शाहिदा कि जो मौजूद है वो जो नहीं मौजूद है उन तक पहुंचा दो तो हमें पहुंचाने सिखाया गया है एक मॉडर्न स्टडी है मैं आपको बताता हूं जिसके अंदर अलग अलग बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया और देखा गया कि कैसे उन्हें ज्यादा याद रहता है जब उन्हें सिर्फ लेक्चर दिया गया फिर पूछा गया कितना याद है तो देखा कि पांच परसेंट याद था जब उन्हें कहा गया अच्छा पढ़ो फिर पूछे क्या पढ़े कितना याद है तो देखा के दस टका याद था सिर्फ लेक्चर सुने पांच टका याद था जब पढ़े दस टका याद था जब ऑडियो और विजुअल दोनों चीजें थी फिर देखा कि कितना याद है ट्वेंटी परसेंट याद था बढ़ते 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 एक आखिर में मेथड जो देखा उन्होंने वो ये देखा कि जब वो स्टूडेंट से कहा गया कि तुम पढ़ाओ और वो स्टूडेंट ने जब पढ़ाया फिर उसके बाद देखा तो नाइन्टी परसेंट याद है नब्बे टका तो हम देखते हैं कि जब हम किसी को बताते हैं सवाब तो मिलता है वो एक अलग बात है लेकिन वो इल्म हमारा बाकी रहता है वो इल्म महफूज रहता है वो इल्म हमारा और मजबूत हो जाता है लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात करना मेरे भाइयों और बहने बहुत से लोग हैं जिनमें एहतियात नहीं है एक बात सुनते हैं दस बातें पहुंचा देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि अपनी तरफ से भी पहुंचाओ कुछ भी पहुंचाओ बस पहुंचाओ ऐसे नहीं फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बल्लेगो अन्नी पहुंचा दो मुझसे और सही बुखारी में हदीस जहां आती है किताब अल्लाही बिया उस हदीस में आगे के हिस्से में एक और बात आती है वो ये है मन मा मिन तबार जो मेरे नाम में जान बुझ कर झूठी बात मनसूब करेगा अपने लिए जहन्नम के आग में जगह बना लेगा तो मेरे भाई बहने दीन का इल्म पहुंचाने में अगर हम अपनी तरफ से कोई हदीस बना दें हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया ऐसा कहा अपनी तरफ से कह दें तो ये बहुत खतरनाक बात है अपने लिए जहन्नम की आग में जगह मिल जाएगी सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है जिसमें आता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी बना लैया कभी बना लाद मेरे नाम में झूठ कहना वैसा नहीं है जैसे दूसरे लोगों के नामों में झूठ कहना है जो मेरे नाम में झूठ कहेगा अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बना लेगा मेरे भाई मेरी बहने अपने लिए जहन्नम की आग में जगह ना बनाए एहतियात रखिए हदीस बयान करने में खुद की तरफ से बयान करें दीन के नाम में बातें खुद की तरफ से कह दें बहुत खतरनाक बात है सही बुखारी की हदीस है मसूद फरमाया, कहा, मन अलमा फल जो जानता है वो बोले वो यालम फल अल्लाह आलम और जो नहीं जानता वो कहे अल्लाह जानता है जो नहीं जानता है वो कह दे नहीं मैं नहीं जानता वो कहते हैं क्या है ये इल्म से है अगर आप गौर करेंगे तो बहुत समझदारी की बात आपको समझ में आएगी वो कह रहे हैं कि ये इल्म है कि जो नहीं जानता वो ये कह दे कि मैं नहीं जानता ये इल्म है तो यहां सवाल ये होता है कि भाई आदमी को पता नहीं है तो ये इल्म है क्या क्या ये बात कि वो नहीं जानता ये इल्म है तो हम ये देखते हैं कि जब वो ये कह रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता तो कम से कम इतना तो जानता है कि नहीं जानता है कम से कम इतना तो जानता है कि वो नहीं जानता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं और वो ये भी नहीं जानते कि वो नहीं जानते तो कम से कम इतना तो जानता है कि नहीं जानता है तो हम देखते हैं कि ये एक बहुत अहम बात है ये हमारा पॉइंट नंबर चार वो है इल्म पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात करना मेरे भाइयों और मेरी बहने ख्याल रखें इस बात का

और वो है तकदीम अल अलहम फल मुहिम मतलब अहमियत के मुताबिक आइए रिविजन करते हुए आगे बढ़ते हैं बहुत से लोग हैं जो हो सकता है उनकी नीयत अच्छी है पॉइंट नंबर वन कोशिश भी कर रहे हैं मुजाहिदा कोशिश स्ट्रगल कर रहे हैं पॉइंट नंबर दो नंबर तीन हासिल करने में एहतियात है एहतियात के साथ हासिल कर रहे हैं अहम बात है पॉइंट नंबर तीन पॉइंट नंबर चार पहुंचाते हैं और पहुंचाने में भी एहतियात कर रहे हैं लेकिन कई बार लोग पांचवी खाई में जाके गिर जाते हैं और वो है के के मुताबिक आगे नहीं बढ़ते हैं अल अहम फल मुहिम हम देखते हैं इस तलुक से स्कॉलर्स ने बहुत रहनुमाई की है ने। और कायदा आपको कुरान में बुनियादी मिलेगा फर्स्ट। सबसे अहम चीज सबसे पहले फिर उससे कम फिर उससे कम जैसे इबन जोजी रही ने क्या बात कही है अपनी किताब तलबी से में वो कहते हैं हसन अगर जिंदगी इतनी लंबी होती कि सब कुछ सीख सकते थे तो अच्छा था वो उम्र कसीर लेकिन जिंदगी ये छोटी फयम बगी इसार अफजल तो हमें चाहिए कि सबसे ज्यादा अहमियत और फजीलत वाली चीज़ें पहले सीखें जैसे स्कॉलर्स ने अपनी किताबों में लिखा है कि फलो दर्जा के समझदारी का सबसे पहला दर्जा यह है कि एक तौलब इल्म को अल अलहम फल मुहिम सबसे अहम चीज पहले सीखना चाहिए फिर उससे कम फिर उससे कम मतलब बात क्या है मेरे भाईओं मेरी बहने सबसे अहम चीज क्या है अल्लाह को पहचानना अल्लाह हमारा रब है अल्लाह के एहसानों को पहचानना अल्लाह ताला का तारुफ हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह उसे तो पहचानना कि अल्लाह हमारा रब है कौन है अल्लाह ताकि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मेरे साथ किसी को शरीक करेगा तो अल्लाह फरमाया इन ला यगफिरु फिर यूशर का भी अल्लाह हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो तो सुरे सुरा चार आयर फोर्टी एट में अल्लाह ने कहा सबसे पहले सबसे अहम बात ये है ना कि हम अल्लाह का हक हाँ पहचान ले कि अल्लाह हमारा रब एहसान कितने सारे हैं तो क्या हम अल्लाह के बारे में नहीं जानना चाहेंगे कितनी अहम बात है हम कलिमा पढ़ते हैं प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद रसूल मोहम्मद के हुकूक क्या है हम पर हमें पता होना चाहिए हम नमाज पढ़ रहे हैं दिन में पांच बार अगर एक गलती सुधार लिए एक गलती सिर्फ हर अकात में सुधर जाएगी हर नमाज में सुधर जाएगी क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो हमारे नमाजों का जो हिसाब होगा ना उसमें कितना फ़र्क आएगा सिर्फ एक गलती सुधार कर तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हमें नमाज को सुधारना चाहिए तो उसी तरह मेरे भाई उम्मीद बहने ये जो अहमियत के मुतल जो चीज़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है मिसाल के तौर पर कोई शख्स लॉयर है कोई शख्स डॉक्टर है कोई शख्स ताजर है अब उसके ताल्लुक से क्या ये ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस में रोज जो काम कर रहा है उसके ताल्लुक से इल्म हासिल कर ले आज अलहमदल्ला ऐसी फतवा की वेबसाइट्स हैं जिसमें लाखों सवाल मौजूद हैं अब आप क्या कर सकते हैं आपको जो सवाल पूछना है पहले से आपसे पहले किसी ने वो सवाल पूछ चुका होगा मोस्ट प्रॉबली अक्सर तकरीबन अब क्या कर सकते हैं आप पढ़ लीजिए फतवे पढ़ लीजिए स्कॉलर्स ने क्या कहा है ताकि कोई गलती से आप बच सके इंशाला रोज काम कर रहे हैं वो आप तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं उसके तालुक से इल्म नहीं हासिल करते हैं तो ये बहुत जरूरी है अल अहम फल मुहिम सबसे अहम चीज पहले फिर उससे कम फिर उससे कम अगर ये नहीं फॉलो करेंगे तो जिंदगी उतनी लंबी नहीं है कि हम सबसे अहम चीज तक पहुंच जाएंगे ये बहुत जरूरी है कि पहले बुनियादी मौजूद आता है ईमान कलिमा ला इलाहा मोहम्मद रसुल्ला उसके मुतालिक जो सारी चीजें हैं वो आनी चाहिए जो हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं तो मेरे भाई उम्मीद बहने हम ये बात को अपने दिल पर ले लें कि मुझे देखना होगा कौन सी चीज सबसे अहम है सबसे पहले वो सीखूंगा ये हो गया पॉइंट नंबर पांच पॉइंट नंबर छ और वो है दर्जा बदर्जा स्टेजेस ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखते हैं कि बहुत से लोगों में जब इल्म का जज्बा आता है ना तो दिल चाहता है आज के आज पूरा का पूरा कर लू ऐसे नहीं होता तो जैसा हम देखते हैं किसी के अंदर इल्म का जज्बा आ गया अब उसने शुरू की पहली किताब सही बुखारी अब सही बुखारी इतनी सारी जिल्दों में जब स्टार्ट कर रहे हैं थोड़े पेजेस पढ़ने के बाद भारी लगने लगता है फिर एक इंसान छोड़ देता है तो टोटल छोड़ देता है ऐसे नहीं होना चाहिए हम यह देखते हैं कि स्मॉल स्टार्ट करो छोटा सा स्टार्ट फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा पहले कुछ पैम्फलेट से शुरू कर दीजिए छोटे छोटे किताबचे पहले पढ़िए फिर उससे आगे बढ़िए फिर उससे आगे बढ़िए तो हम देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप जब आदमी जाता है तो वह इंसान मजबूत बनता है मिसाल के तौर पर अगर आप हदीस का सीखना चाहते हैं नबवी चालीस हदीस है जो इमाम ने जमा की छोटी सी किताब है पढ़ लिए फिर उससे बड़ी किताब पढ़ेंगे इनशाला एक दिन आएगा सही बुखारी भी पढ़िए इंशाला कोई नहीं रोक रहा है कुरान जो पढ़ना है थोड़ा थोड़ा लेकर पढ़ते जाए रेगुलर बराबर कंसिस्टेंट मुस्तकिल दर्जा दर्जा स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस आफ्टर तो स्टेजेस तो हम देखते हैं यह बहुत जरूरी है कि हम इसमें अपने आप को उस तरह से प्लान करें पॉइंट नंबर पांच क्या था अहमियत के मुताबिक पॉइंट नंबर छह क्या है स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आगे बढ़ो एक साथ में करने जाएंगे फिर सब कुछ छूट जाएगा हाथ से इसी वजह से जरूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी के के साथ के साथ कंसिस्टेंसी बराबर एक इंसान पढ़ता जाए इल्म हासिल करता जाए, आगे बढ़ता जाए जैसा हम देखते हैं कुरान में, सुरे में है, आयत बत्तीस अल्लाह ने फरमाया वो कहते हैं साथ में क्यों नहीं नाजिल होता अल्लाह ने फरमाया ये इसलिए ताकि आपके दिल को मजबूती दे अल्लाह तो देखते हैं यही में भी दिखाया देता है। बच्चा पैदा होते ही भागना नहीं शुरू करता है, पैदा होने के बाद एक वक्त आता है कि क्रॉलिंग करेगा अपने घुटनों पर चलेगा फिर बढ़ते 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 चलना शुरू करेगा आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा भागेगा भी इंशाल्लाह पैदा होते ही भागना शुरू करे तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा उसी तरह हम देखते हैं कि पौधा है डायरेक्टली पेड़ नहीं बन जाता डायरेक्ट आहिस्ता आहिस्ता तो ये होगा लेकिन जमे रहो छोड़ मत दो और स्टेप स्टेप बाय आगे बढ़ते जाओ तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर छ पहला पॉइंट क्या था नियत दूसरा पॉइंट क्या है मुजाहिदा कोशिश अगर आप देखेंगे ये पूरे दस पॉइंट जोड़ी जोड़ी है याद करने में आसानी होगी इंशाल्लाह पहला पॉइंट दोहराइए साथ में नीयत दूसरा पॉइंट कोशिश मुजाहिदा स्ट्रगल तीसरा पॉइंट हासिल करने में एहतियात चौथा पॉइंट पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात पांचवा पॉइंट अल अहम फल मुहिम सबसे अहम पहले फिर उससे कम फिर उससे कम छठा पॉइंट स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस आफ्टर स्टेजेस दर्जा बदर्जा ये हो गया छह पॉइंट पॉइंट नंबर सात बहुत से लोगों की कहानी क्या है आपको पता है वो कहते हैं उस जमाने में हम लोग दर्स में जाया करते थे किताबें पढ़ा करते थे दर्द सुना करते थे ऑडियो वीडियो देखा करते थे फिर छूट गया क्यों छूट गया उसकी कई बार बुनियादी वजह ये होती है कि जब सीखने लगते हैं तो शैतान कहता है अरे तुम्हें तो ये भी मालूम है तुम्हें तो वो भी मालूम है तुम्हें तो सब कुछ मालूम है जब एक इंसान में ये एक एहसास है हाँ मुझे तो सब कुछ मालूम है जब उसके अंदर वो भूख नहीं रहती है तो अगला स्टेज ये होता है कि उसके हाथ से वो चीज़ चली जाती है मेरे भाई उम्मीदी बहनें हमारे अंदर एक चीज होना जरूरी है ताकि हम इस खाई से बच सकें जिसमें बहुत से लोग पड़े हुए मिलते हैं जो एक जमाने में इल्म हासिल किया करते थे बाद में उनके हाथ से वो चीज़ छूट गई और वो क्या है वो ये है कि हमारे अंदर तलब ज्यादा ज्यादा की तलब होनी चाहिए प्यास होनी चाहिए भूख होनी चाहिए एक इंसान सीखा लेकिन उसे चाहिए उसे एहसास होना चाहिए मुझे वो भी चाहिए वो भी सीखा मुझे वो चाहिए इसे क्या कहते हैं इसे आम इंसान की जुबान में कहते हैं लालच आम तौर पे लालच अच्छी चीज नहीं होती है लेकिन इल्म की लालच अच्छी चीज है इल्म की लालच हो एक इंसान में नहीं मुझे चाहिए और चाहिए ये अच्छी चीज है आप देखेंगे सही बुखारी में हदीस है एक बार अबू हुरैरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा मुझे पता था ये सवाल तुम ही पूछने वाले हो क्योंकि तुम्हारे अंदर हदीस की जो लालच है हिरस है तो ये हिरस आमतौर पर माल की लालच बुरी चीज़ है इज्जत की लालच बुरी चीज़ है लेकिन हदीस की लालच इल्म की लालच अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ है कि मैं थोड़ा और सीख लूं तो आप देखेंगे कि हमें क्या सिखाया गया है वकुर रबी जिदनी इल्मा। कह दो ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर मेरे इल्म को बढ़ा दे अल्लाह तो इल्म में इजाफा अच्छी चीज है और हमें यही सिखाया गया है सबसे ज्यादा वाले हो तो क्या दुआ करनी है आपको मालूम है रबी जिदनी अल्लाह मुझे और इल्म दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम सबसे ज्यादा इल्म था इस उम्र में उनके पास और उन्होंने क्या दुआ की रबी जिदनी मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर तो मेरे भाई और बहने ये प्यास होनी चाहिए नहीं तो आगे नहीं जा पाऊंगे नहीं तो थोड़े दिन की बात है और ये जब एहसास होना कि नहीं मुझे ये मालूम है तो ये याद रखो जितना इल्म बढ़ता है उतना एक इंसान को ये एहसास होता है कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम है ये भी नहीं मालूम है ये भी नहीं मालूम है वो भी नहीं मालूम है फिर वो सीख जाएंगे तो पता चलता है अरे मुझे और कितना कुछ है नहीं पता मतलब जितना सीखते जाते हैं उतना पता चलता है कि मुझे नहीं पता है ये नहीं पता है ये तो पता चल जाए कि मुझे क्या क्या नहीं पता है जब एक इंसान के पास थोड़ा सा इल्म होता है ना उसको लगता है नहीं मुझे सब कुछ मालूम है लेकिन जितना इल्म बढ़ते आता है उसके अंदर ये एहसास बढ़ता है कि मुझे कितना कुछ नहीं पता है तो मेरे भाइयों मेरी बहने ये तौलब होनी चाहिए ये प्यास होनी चाहिए ये बुनियाद है इस चीज की ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर सात पॉइंट नंबर आठ बहुत से लोग हैं जो हो सकता है ये सात खाइयों से बच जाए लेकिन आठवीं खाई में जाके गिर जाते हैं और वो ये है तकबर करना घमंड करना इसी वजह से कायदा ये है कि अपने आप को पस्त रखना अपने आप को हम्बल रखना अपने अंदर तो रखना ताकि तकबर और घमंड से बच सके होता यह है शैतान हमारा दुश्मन है शैतान जानता है कि इल्म हासिल करना कितना बड़ा काम है उसके कितने प्लान फेल होते हैं तो वो चाहता है कि कैसे इसे खींचूं मैं नीचे कैसे यह शख्स जो इल्म के रास्ते पर चल रहा है इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो रहा है इसके लिए सारी मखलूक मकफरत की दुआ कर रही है कैसे मैं रोकू इसे तो रोकने का उसका एक बहुत बड़ा तरीका होता है तकबर और घमंड एक इंसान में डालना मतलब एक इंसान जब सीखने लगता है तो उसे शैतान कहता है ओ तुम तो कितने आगे बढ़ गए हो तुम तो कितने बड़े हो गए हो बाकी लोगों को देखो और तुम्हें देखो किस तरह तो जब एक इंसान के अंदर तकबुर आ गया वहां से उसका जवाल शुरू हो गया और अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने हदीस है ला वो शख्स जन्नत नहीं जाएगा जिसके दिल में जरा बराबर भी किब्र है तकबर है जन्नत नहीं जाएगा मतलब जहन्नम जाएगा वहां जाके जलेगा उसकी सजा मिलेगी उसे अब यहां क्या मामला है ये जो तकबर आ गया तो तो बर्बाद हो गया ना अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है सुर चार नंबर छत्तीस इन ला यू मैंने कहना मुख्तार अल्लाह नहीं मोहब्बत करता नहीं पसंद करता

नीयत अच्छी है पॉइंट नंबर दो मुजाहिदा कर रहा है कोशिश कर रहा है पॉइंट नंबर तीन हासिल करने में एहतियात है पॉइंट नंबर चार पहुंचाने में एहतियात है पॉइंट नंबर पांच सबसे अहम चीज पहले फिर उससे कम फिर उससे कम पॉइंट नंबर छ कर रहा है दर्जा ब दर्जा स्टेप बाय स्टेप पॉइंट नंबर सात तलब ज्यादा ज्यादा की तलब भी है पॉइंट नंबर आठ तकबर और घमंड से बच रहा है लेकिन नौवीं चीज में जाके फेल हो जाए वो ये है कि तुम इतना कर रहे हो अंदर हो रहा है कुछ तुम दीन का इल्म सीख रहे हो कुछ दिल हिल रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौताल मा आलमोह तुम कलीन वकई तुम कसर अगर तुम्हें पता होता जो मुझे पता है बहुत कम हंसते बहुत ज्यादा तुम लोग रोते सही मुस्लिम की हदीस है हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सुर फातिर सुरान नंबर पैंतीस आयत नंबर अट्ठाईस यकीनन अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदों में इल्म वाले होते हैं जिनके पास इल्म होता है उनके दिल में अल्लाह का डर भी होता है कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है अब चेक करो अपने आप को कहां पे गड़बड़ हो गई नीयत तो बिगड़ नहीं गई थी कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो गया मेरे भाई और मेरी बहने ये है पॉइंट नंबर नौ तकवा दिल में तकवा महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है इल्म के साथ तकवा बढ़ता है जो इल्म सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हासिल किया गया है उसके बाद अल्लाह का डर भी दिल में आता है आना जरूरी है ना आना लाजिम है यह होगा तो तकवा आएगा और नहीं आ रहा है तो अपने आप को चेक करना चाहिए यह हो गया हमारा पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर दस हो सकता है कि कोई नौ खाइयों से बच जाए और दसवीं खाई में जाके गिर जाए वो है नंबर वन नीयत हो सकता है अच्छी है दोहराइए मेरे साथ में भाई और मेरी बहने रिविजन करिए ताकि आपको याद हो जाए इन नंबर वन नीयत नीयत अच्छी होनी चाहिए हो सकता है उसकी नीयत अच्छी है नंबर दो मुजाहिदा कोशिश स्ट्रगल हो सकता है कर रहा है नंबर तीन हासिल करने में एहतियात नंबर चार पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात कम, कम। नंबर छह दर्जा बदर्जा बा स्टेप बाय स्टेप हो सकता है कर रहा है नंबर सात तलब ज्यादा, ज्यादा की तलब प्यास हो सकता है पॉइंट नंबर आठ वो है तकबर से बचना इंकिसारी रखना तो रखना ह्यूमिलिटी रखना हम्बलनेस रखना हो सकता है पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर तकवा लेकिन 10 है अमल आपने इल्म हासिल किया आपने कुछ सीखा क्या उस पर अमल कर रहे हैं आपको पता चला ये अल्लाह का एहसान है अल्लाह जिसके साथ अच्छे का इरादा करता है उसे दीन की समझ देता है लेकिन पता चलने के बाद अमल करना चाहिए ना कितने सारे लोगों को मालूम ही नहीं है अल्लाह ने आपको इल्म दिया तो वो पता चला आप उस पर अमल करें मेरे भाइयों और मेरी बहनें मैं आपको दो खतरनाक हदीसें इस बारे में बताना चाहता हूँ पहली हदीस तिरमिज़ी में प्यारे नबी मोहम्मद ने फरमायामत के दिन आदम की औलाद अपना नहीं हिला पाएगा अपने रब के आगे यहां तक आके पांच चीजों का जवाब ना दे दे और उसमें पांचवी चीज है माजा अमिला फीमा अलीमां जो तुम्हारे पास इल्म था उस पर अमल कितना किए इसका जवाब देना है अल्लाह को तो अमल किए नहीं किए पता चला अमल करो अमल में आगे रहो एक और हदीस से सही बुखारी जिसमें आता है कि प्यारे नबी मोहम्मद को लाया जाएगा के दिन और की आग में फेंक दिया जाएगा उसकी आग में निकल के आएगी। वो आग के अंदर चक्कर काटने लगेगा जैसे कि गधा चक्की के चक्कर काटता है फैदार उसके आसपास जमा होंगे अला मैं शानु कहेंगे ए फला क्या मामला है तुम्हारा अलई सा कुमरु ना बिलमारूफ तुम तो वही हो ना हमें अच्छा काम करने बोलते थे वह तन्हा अनिल मुनकर बुरी चीज से तुम तो रोकते थे हमें वो कहेगा आमरुक बिलमारूफ वाला आती तुम्हें अच्छा काम करने कहता था लेकिन खुद नहीं करता था वह अनहामुन कर ही वह आती ही तुम्हें बुरी चीज से रुकने बोलता था लेकिन खुद नहीं रुकता था तो यहाँ क्या हो गया उसका आग में है वो मेरे भाई मेरी बहने ऐसा नहीं होना चाहिए अमल के अंदर पीछे मत रहना जो आपको पता चल गया अल्लाह का एहसान है वो एहसास दिल में रख कर अल्लाह से दुआ करो और अमल के मैदान में आगे रहो तो ये हम देख रहे हैं ये है हमारे दस पॉइंट्स अब हम अल्लाह ताला से एक दुआ करते हुए इस एपिसोड को इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें इल्म की अहमियत समझने की तौफीक दे अल्लाह हमें अपने दिलों में इखलास पैदा करने की तौफीक दे और इखलास के साथ तेरे दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक दे सिर्फ तेरी रज़ा के लिए अल्लाह हमें तेरे इल्म को हासिल करने के लिए जद्दोजहद और मुजाहिदा और कोशिश और स्ट्रगल करने की तौफीक दे अल्लाह अल्ला हमें इल्म हासिल करने के अंदर एहतियात के साथ जो साबित शुदा सही इल्म है तेरे दीन का वो इल्म हासिल करने की तौफीक दे अल्ला हमें उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे और पहुंचाने में एहतियात के साथ जो तेरे दीन का पैगाम है जो तेरे नबी ने हम तक पहुंचाया हमें वही पैगाम लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे अल्ला हमें तेरे दीन का इल्म उसकी अहमियत के मुताबिक सबसे अहम चीज सबसे पहले सीखकर उसे जल्द से जल्द हासिल करने की तोफीक दे और फिर उससे कम दर्जा फिर उससे कम दर्जे के इल्म अल्लाह हमें दर्जा ब दर्जा स्टेप बाय स्टेप तेरे दीन के इल्म हासिल करने में कंटिन्यूस कोशिश करने की अल्लाह हमें तोफीक दे अल्लाह हमारे अंदर एक प्यास दे दे एक तलब दे दे जिसकी वजह से हम तेरे दीन के इल्म को मुस्तकिल और मुस्तकिल और मुस्तकिल जब तक जमीन पर रहें जब तक हम जिंदा रहे तेरे दीन का इल्म हासिल करते रहे वही प्यास हमें दे दे अल्लाह तेरे इल्म की तलब दे दे अल्लाह अल्लाह हमें गुरूर और तकबर से बचा दे घमंड से बचा दे अल्लाह हमें इंकसारी दे दे हमारे अंदर तोजु दे दे तो ते हम तेरे दीन का इल्म हासिल करके उसके ऊपर अमल करने में हमारे अंदर शुक्र का एहसास हो ना कि तकबर का एहसास आ जाए अल्लाह हमारे दिलों में तकवा दे दे हमारे दिलों में परहेजगारी दे दे अल्लाह हमें तेरे दीन के इल्म पर अमल करने की तोफीक दे इसी दुआ के साथ हम ख़त्म करते हैं आज के प्रोग्राम को जुड़े रहिए हमारे साथ सीखते रहिए स्टेप बाय स्टेप इंशाला हम सीखेंगे और दीन के अहम तरीन मौजूद में भी लाएंगे दूसरों तक तो भी पहुंचाएंगे साथ रही हमारे फाउंडेशन एक इस्लामी कोर्स में। दावाना, लिल्हें। लिल्हें। इस सीरीज को बनाने में मोहम्मद ने अपना पूरा ताउन दिया आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए कॉल करें नाइन फाइव डबल एट डबल एट डबल एट टू सिक्स पर